आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल किया। जहां नगर के लाल डिग्गी स्थित लायंस स्कूल में बच्चों को आपदा के दौरान घबराने की नहीं बल्कि हिम्मत के साथ बचाने के लिए तरीके से अवगत कराया। एक रिपोर्ट। विद्यालय में आग लग जाने के कारण कक्षा के तमाम बच्चे फंस गए। आग देख भाग कर विद्यालय के छात्र 3 मंजिला इमारत की छत पर पहुंचे। बच्चों को बचाने के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम ने प्रयास कर उन्हें सुरक्षित बचाया। यहां कोई हादसा नहीं बल्कि मॉक ड्रिल था। इसके माध्यम से स्कूली बच्चों को आपदा के दौरान भयभीत होने के बजाय सुरक्षित तरीके से लोगों को बचाने के तरीके से अवगत कराया। सभी दर्शकों और बच्चों से अनुरोध है, सिर्फ 2 यूनिट और बचा हुआ है, थोड़ा सा धैर्य और रखें। जैसे आप इतनी देर सीट रैपलिंग की स्वागत करें इनका बहुत ही सावधानी तरीके से ऊपर से नीचे ले आया जा रहा है। इसलिए आपदा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आवाज देंगे दोनों कार्रवाई की जाती है तो सीट रेफलिंग के माध्यम से एक रेस्क्यूअर ऊपर से नीचे आने को तैयार और कहेंगे कि हर फ्लोर को चेक करता हुआ वो ऊपर से नीचे आता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जिस तरह से आधुनिक परिवेश में भूकंप, बाढ़ या आकाशीय बिजली या कोरोना महामारी, ये जितने भी ये आपदाएँ आ रही हैं, लोगों को प्रति जनमानस में एक स्कूल एज से लेकर ओल्ड एज तक जागरूकता फैलाना और दिखाना, हम एनडीआरएफ के साथ मिलकर ये प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि देखिए हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, आपदाओं से किस तरह से कम हानि में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी अनुक्रम में ये मेगा आज संपन्न हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ। अब आज की संयुक्त रूप से समाप्त होती है, ये कार्य को अंजाम दे रही है महोदय, और बहुत ही अच्छा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज यहाँ पर हुआ। हम अपने जो आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं इस संदर्भ में हमारे बीच आए और एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ को हौसला अफजाई की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्या है मॉक ड्रिल का उद्देश्य? देखिए इसमें आज जनपद मिर्जापुर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वावधान में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अंतर समन्वय से, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, फायर विभाग, चिकित्सा विभाग, आपदा विभाग, शिक्षा विभाग के सौजन्य से, के अंतर समन्वय से लायंस पब्लिक स्कूल में आज भूकंप रोधी आपदा प्रबंधन के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दी जा रही है मॉक ड्रिल के माध्यम से, और जिससे कि जिस तरह की आपदा है तो कैसे उसको, उसके प्रभाव को कैसे न्यून किया जा सकता है, इसी पे पूरी टीम का जो है आज कार्य चल रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।